हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन। तो उससे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तब कैसे डिफ़र होता है फीटल सर्कुलेशन नॉर्मल सर्कुलेशन से। तो ऐसे क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो कि एक फीटल सर्कुलेशन को नॉर्मल सर्कुलेशन से डिफ़र बनाता है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल मैंने बना रखा है यहाँ पे हार्ट, तो किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है फीटल सर्कुलेशन में। तो आइए हम जानते हैं कि नॉर्मल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है। तो द नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेडअप होता है ब्लड वेसल से, क्योंकि ये कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम एंड टुवार्ड्स द हार्ट। एंड आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड वेन कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो ब्लड से आर्टरी और वेन क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। लेकिन आर्टरी क्या वर्क करती है, ब्लड को हार्ट से लेकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। लेकिन वेन क्या होती है, वेन हार्ट में ब्लड को कैरी करती है, लेकर जाती है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कुछ हॉर्मोन्स सेल्स तक पहुंचाता है एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे काम किससे कंप्लीटेड हो रहे हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो यही एक सिस्टम देखें तो नॉर्मली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं। दैट मीन्स कि अपर बॉडी सिस्टम से सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम से, और लोअर एक्सट्रीमिटी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा में। ये दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर वेना से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। यहाँ पे ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व होता है, उसे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है, जब इस चैम्बर में ब्लड भर जाता है तो उसके वजह से, प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक वॉल चैम्बर होता है, वो ओपनिंग हो जाती है। उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकप्सिड वॉल बोलते हैं। उसके ओपनिंग होने से जो ब्लड फिल था इस राइट एट्रियम चैम्बर में, वो कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही चैम्बर फिल होगा, इस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ से एक यहाँ पर जो एक वॉल दिख रहा है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है जो कि ओपन हो जाता है इस वॉल के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल। इस वॉल के थ्रू जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होगा वो कहाँ कैरी हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ये आपका कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट लंग्स में, और पल्मोनरी आर्टरी दूसरे साइड में राइट लंग में ब्लड को भेज देगी। और लंग्स का यू नो वेरी वेल कि लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना। यहाँ पे राइट एंड लंग्स अपने अपने वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद जो लंग्स की जो पल्मोनरी वेन होती है, मतलब ब्लड जो प्यूरिफिकेशन हुआ वो किसके थ्रू आ रहा है, हार्ट के पास, यानी कि पल्मोनरी वेन के पास। और हार्ट से लंग्स में ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो मैंने ही सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया आपको, जो आर्टरी हैं वो हार्ट से ब्लड ले जाने का काम करती हैं, और जो वेन है वो ऑर्गन से, यानी कि लंग्स से, वेन से लेकर से ब्लड कहाँ लेकर आता है, हार्ट में। तब वो पूरा होल बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट होता है। और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ ब्लड, तो कहाँ कैरी हुआ, किसके सहायता से, पल्मोनरी वेन की सहायता से। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन कहाँ एंटर कर रही हैं, आपकी लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो जो ओपनिंग है लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ जब चैम्बर फिल होगा तो यहाँ पे एक वॉल दिख रहे हैं, वो वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल या बाइकप्सिड वॉल। ओके, ये ओपन होने के बाद में जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट हुआ था वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, मतलब फुल हुआ चैम्बर ब्लड से, तो ये प्रेशर किसको फुल अप करेगा, ओपनिंग करेगा। यहाँ पे एक वॉल देख रहे हैं जो कि एरेटा और किसके बीच में है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं एरेटिक वॉल। एरेटिक वॉल के थ्रू ओपनिंग होने से ही ये ब्लड कहाँ कैरी कर जाता है, आपका एरेटा में। यहाँ पे आप एरेटा देख रहे हो, फुलफिल द ब्लड
यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है एटा के बीच में, या तीन डिवाइडेशन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहलाता है असेंडिंग डिसेंडिंग एरोटा, ये आर्च ऑफ एरोटा और ये असेंडिंग एरोटा। यानी कि आर्च ऑफ एरोटा पूरा यहाँ पे हेड टू सेंटर में आपका क्या कर देता है, ब्लड को कैरी कर देता है असेंडिंग अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, और डिसेंडिंग पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को क्या कर देता है, ब्लड कैरी कर देता है। ये नॉर्मल साइकिल थी आपकी एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि नॉर्मली जो ह्यूमन में ब्लड कैरी होता है, सर्कुलेटरी होता है, वो कैसे कैसे चैम्बर में जाके कहाँ कहाँ जाके कैसे प्यूरिफिकेशन होके ये ब्लड सर्कुलेशन आपकी होल बॉडी में क्या कर जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। ये एक क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके।